जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सूरत जिला के कामरेज से पकड़े गए नकली नोट के तार मुंबई के बाद दिल्ली पहुंचे। कामरेज पुलिस ने डिग्री शिक्षा ट्रस्ट की एम्बुलेंस से ₹25,80,00,000 के नकली नोट के साथ जामनगर के हितेश कोटडिया को गिरफ्तार किया। हितेश दिनेश लालजी भाई पोशिया से पूछताछ के बाद खोलवार कामरेज में पवित्र सोसाइटी में रहने वाले आनंद विपुल हरीश भाई, कामरेज पुलिस ने हितेश कोटडिया, दिनेश लालजी पोशिया और विपुल हरीश भाई पटेल को गिरफ्तार किया। जांच के सिलसिले में सूरत जिला ग्रामीण पुलिस की एक एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी टीम ने नेतृत्व किया कामरेड डीएसपी बीके बनार ने जाली नोटों के जालसाजी के राज्यव्यापी नेटवर्क की जांच तेज की। नेटवर्क में शामिल होने के क्रम में पकड़े गए एक के बाद एक आरोपी बियर लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक विकास पद्मचंद जैन, दीनानाथ राम निवास यादव और अनुसवीर नई शर्मा वहां से गिरफ्तार किए गए। मुंबई में छापेमारी में 317 करोड़ रुपए के करेंसी नोट समेत कुल 6 आरोपी मिले हैं। उस समय और सफलता के तहत सीआईटी की टीम ने मुंबई के प्रवीण शुक्लाल जैन और दिल्ली के अमित जय भगवान राणा को नाम के आरोपी को पकड़ा। सूरत जिला ग्रामीण पुलिस ने 334,78,00,000 रुपए की करेंसी नोटों के नेटवर्क में संलिप्त 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से नकली करेंसी जब्त कर ली। जगह न्यूज 24 गुजरात कठोदरा से अजय जायसवाल की खास रिपोर्ट। हैं 29 सितंबर को कामरेज पुलिस को मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने 26 करोड़ के करीब के जाली नोट पकड़े थे। उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया। 6 तक एक्यूज को अरेस्ट करके 9 दिन तक के उसके रिमांड लिए गए। आज भी वो एक्यूज सब रिमांड पे हैं और जामनगर आणंद मुंबई सब जगह मिला के 227 करोड़ की रिकवरी हुई थी। कल भी पुलिस ने दिल्ली से कल रात को 17,75,00,000 दिल्ली से नोट भेजने वाले गुरमीत के घर या ऑफिस से रिकवर किए हैं और 2 और एक्यूज्ड प्रवीण जैन को मुंबई से अरेस्ट किया है और उसके भी 5 दिन के रिमांड मिले हैं। एक राणा दिल्ली से कल पुलिस ने उसकी डिटेन किया है उसको और आज फॉर्मली उसको अरेस्ट करके उसके भी रिमांड लिए जाएंगे। तो कुल मिला के 337 करोड़ तक के जाली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं और जो चीटिंग हुआ था राजकोट के रवि परसाणा के साथ उनमें से 20 लाख रुपए की कैश की रिकवरी पुलिस ने की है और ये रिकवरी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो और भी बढ़ने की पुलिस को आशा है। अभी हमारी टीम है जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली अभी और सर्च कर रही हैं और इस केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। थैंक यू सर। दिल्ली और गुजरात और मुंबई का कनेक्शन क्या है, मोस्ट वांटेड कौन है? अभी तक जैसे देखिए गुजरात का पूरा जो चीटिंग का इनका रैकेट था वो दिनेश पोशिया वो हैंडल कर रहा था और हितेश कोटडिया वो उसको साथ दे रहे थे। राजकोट ऑफिस हितेश कोटडिया संभाल रहे थे बट कहीं ना कहीं अभी जो मुंबई से जो एक्यूज अरेस्ट हुए हैं और इन सब ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा और ये मुंबई दिल्ली इंदौर बेंगलुरु में भी ऑफिस रखने वाला अब तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें विकास जैन उसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहा है इस रैकेट में। तो गुजरात मुंबई में दोनों में जो अब तक की चीटिंग उन्होंने की है उसमें विकास जैन इज द मास्टर माइंड। जैसे 2 तरीके हैं, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट दिखाना है, किसी को कोई डोनेशन देना है और वो सिर्फ दिखाने के उद्देश्य मात्र से करना है वो इन्वेस्टमेंट और वो डोनेशन में से 80-90% पैसा वापस ले लेना है और ऐसा करके ऐसा उनको लालच देके एक बुकिंग का 5-10% का अमाउंट पहले ले लेना। तो बुकिंग का जो अमाउंट है 5-10% वो तो उनको मिलेगा ही। तो इसमें अभी जो 11 लोगों के साथ चीटिंग इन्होंने की है जो पुलिस रिकॉर्ड पे आया है अभी तक नंबर ज़्यादा होगा ऐसा पुलिस का मानना है। तो 50,000 से लेके 1,60,00,000 तक के रुपए इन लोगों ने चीटिंग करके लिए हैं। ये बात स्पष्ट हो गई है दिल्ली में रहने वाले गुरमीत उन्होंने ये नकली नोट मुंबई भेजी फिर मुंबई से सूरत, सूरत से आनंद, आनंद से जामनगर तक की नोटें पहुंची और वापस जामनगर से 25 करोड़ की नोटें यहाँ पे चलन में लाने के लिए लाई गई हों। वो तफ्तीश डीवाईएसपी की लीडरशिप में जो टीम यहाँ पे कर रही है उसको कल रात को ही मिली है इन्फॉर्मेशन।
देखिए ये ट्रस्ट इसमें दिख रही है, एजुकेशन ट्रस्ट में, एम्बुलेंस में, एक तो एम्बुलेंस में डिस्गाइज करके नोट लाना, फिर खेतों में घास फूस के अंदर में वो डिस्गाइज करके नोट्स रखना, वो मिसगाइड करने के लिए और बचने के लिए, कहीं पकड़े ना जाए उसके लिए ही एक डिस्गाइज के तौर पर किया गया है। 60-40 ऐसा कुछ रेशियो नहीं है, वो तो नेगोशिएट करेंगे जिसके साथ जो बैठेगा, 60-40, 70-30, 80-20 इस तरह की भी बात है। सर चीटर गिरोह होता जो मेन आदमी है वो पकड़ा गया कि नहीं? वो मेन आदमी पकड़ा गया है, और भी जैसे जैसे आगे लिंक आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे किसका क्या रोल है वो अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। अपीयरेंस में कोई फर्क इतना नहीं लगेगा, जब तक आप नोट लेके पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता उसमें चलने की संभावना बहुत कम है, आप खुद जैसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फर्क में आप देखिए, इसमें रिजर्व बैंक की जगह पर रिवर्स बैंक लिखा है, एक ये फर्क है। दूसरा सिनेमा हेतु के लिए लिखा गया है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों के जो नीचे आता है उसमें लिखा गया है, और जो हाई सिक्योरिटी मार्क्स होते हैं वो उस नोट्स में नहीं है। मैंने बता दिया आपको, मैंने जवाब दे दिया इस क्वेश्चन का। नहीं, मैंने जवाब दे दिया आपको, हिंदी में भी मैंने बोल दिया आपको, મેં આપકો સવાલ વહી થયો, થેન્ક યુ। અત્યાર સુધી પોલીસ પાસે જે વિગત આવે છે એ 11 જણની હકીકત પોલીસ પાસે આવી ગયેલી છે, કેટલી અમાઉન્ટથી એ છેતરાય એ વિગત આવી ગયેલી છે। મુંબઈ અને ગુજરાતના આ લોકો છે એ તમામને પોલીસ હવેથી બોલાવશે, પૂછપરછ કરશે, અને જ્યાં સુધી એમની એમઓની વાત છે તો વિડીયો કોલ મારફતે ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટમાં ડોનેશનને નામે કે કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટને નામે જ્યારે પણ કોઈ ઇન્વેસ્ટર આવે તો એને વિડીયો કોલ મારફતે આ લોકો બતાવતા હતા કે અમારી પાસે આટલા રોકડા અહીં પડેલા છે, જેથી આપ પણ અહીં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો કે આપ જે અહીં આપો છો એમાં સેફ છે તમારું, અને એના નામે સૌ પ્રથમ બુકિંગના નામે જ 5% કે 10% જેટલી રકમ લઈ લેવામાં આવતી હતી। એ કોઈ પણ કારણસર બુકિંગની રકમ તો પાછી આપવાની થતી જ નથી, એટલે એ રીતે છેતરપિંડી કરેલ છે। 2.5 કરોડથી વધારાની છેતરપિંડી કોની કોની સાથે થયેલી એ વિગત, એ તમામ વિગત સુરત રૂરલ પોલીસ પાસે છે, અને એમાં મેં આપને કીધું એ પ્રમાણે હજી પણ વધારે રિકવરી થશે એવું પોલીસનું માનવું છે। જ્યાં સુધી પ્રિન્ટિંગનો સવાલ છે, પ્રિન્ટિંગ ક્યાં થયું, કઈ કયા પ્રેમાઇસીસમાં થયું, એ અંગે અમારી દિલ્હીની ટીમ એ ખૂબ જ સક્રિયતાથી કામગીરી કરી રહી છે। અમુક વિશિષ્ટ એજન્સીઓએ અમારી પાસેથી વિગત માંગેલી હતી, જે વિગત એમને આપવામાં આવેલી છે। લીડિંગ બેંક, સ્ટેટ બેંક અને RBIના અધિકારીઓ પણ અહીંથી એ નોટના સેમ્પલ લઈ અને એ પણ ત્યાં આની તપાસ કરી રહેલા છે। નોટ કોઈને એક્સચેન્જ કરેલાનું અત્યાર સુધી આવ્યું નથી, પણ જે 400-500 કરોડની નોટ છપાયેલી છે એમાંથી પોલીસને 337 કરોડની નોટ મળી છે। એટલે બજારમાં જે આનું ચલન કરવાનો હેતુ એ કઈ રીતે પાર પાડતા હતા એનો વિષય અત્યારે તપાસનો છે, જે અત્યારે ચાલે છે। મકસદ પહેલા દિવસથી જ ખબર છે, છેતરપિંડી કરવું એ જ માત્ર મકસદ હતું, અને કોઈ ટોય લખેલી નોટ છપાયેલી નથી, જે આ સિનેમા હેતુ માટે જે લખેલું છે એ માત્ર અને માત્ર પોલીસ કેસ થાય તો હાઈ ગ્રેડ FICNનો કેસ ના થાય અને પોલીસથી બચી શકાય એનો જ એકમાત્ર ઉદ્દેશ હતો। છેતરપિંડી જ પ્રાઇમ ઓબ્જેક્ટિવ છે। જે ભોગ બનનાર 2 જણ અહીં પોલીસ પાસે આવેલા છે એમણે પણ પોતાના સ્ટેટમેન્ટમાં લખાવ્યું છે, અને ટ્રસ્ટ અને આ જે કંપની છે બધી જે વિગતો છે એ પોલીસની ટીમો મુંબઈ અને દિલ્હીની એ લઈ રહી છે, એમની ફાઇનાન્શિયલ ડિટેલની પણ તપાસ થઈ રહેલી છે। એમનો જે હેતુ છે એ તો ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે, લોકોને છેતરવાનો, મેક્સિમમ લોકોને છેતરવાનું, 50,000થી લઈ અને 1 કરોડ અને 60 લાખ રૂપિયા સુધીની છેતરપિંડી એ લોકો સાથે કરી છે।
મારો એક અનુરોધ છે લોકોને કે જેની જેની સાથે આવી છેતરપિંડી થઈ હોય એ નિર્ભીકપણે કોઈ પણ જાતનો ડર રાખ્યા વગર પોલીસ પાસે આવો. આપ તો છેતરાયા છો અને આપના માધ્યમથી બીજા લોકો છેતરાતા અટકશે. કોઈ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ડાયરેક્ટ રિલેવન્સ હોય એવું લાગ્યું નથી, પણ 67 કરોડની નોટ એવી મળી છે જેમાં 500 અને 1000ની નોટ છે. એ નોટબંધી પહેલાં જે નોટો ચલણમાં હતી એની બનાવટી નોટો પણ બનાવી છે. એ નોટ આપ જોશો, આપની 2000ની નોટ, અને એમાંથી જે ફીચર્સ જોશો એમાંથી જે 17 જેટલા ફીચર્સ છે એમાંથી 14 ફીચર એઝ ઇટ ઇઝ એ જ જગ્યાએ છે. પેપરની ક્વોલિટી પણ ઘણી સારી છે. તો આ પ્રકારે આ લોકોએ જે બેઝિક ફીચરને અનુકરણ કરી અને એની એક કોપી કરવાની કોશિશ કરેલી છે. મેં આપને કીધું એ પ્રમાણે કે 14 પેરામીટર એઝ ઇટ ઇઝ એની જગ્યાએ જ છે, માત્ર 3 જ પેરામીટરની કોપી કરી શકેલા નથી. અને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જ્યાં સુધી આપ એના પરનું લખાણ વાંચો નહીં ત્યાં સુધી આપને એમ જ લાગે કે આ નોટ સાચી છે.